जो बीमारी है वो तो कोई भी दवा खा के चले नहीं सकते। फर्स्ट स्टूडेंट, नो मैटर व्हाट मेडिसिन वी टेक, इट डजंट क्योर द डिजीज। ये सब मन के ऊपर है। विश्वासम फलदायकम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंड। ट्रस्ट इज ब्यूटिफुल। विश्वासम फलदायकम। नहीं तो कितनी भी दवा करो। अदरवाइज नो मैटर हाउ मेनी मेडिसिन यू टेक। करोड़ों रुपए खर्च कर दो। स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज। नहीं ठीक होगा ना तो नहीं ठीक होगा। इफ यू थिंक इट इजंट टू बी क्योर्ड इट वोंट। आशा रहती को खान अच्छा हो जाओ खान अच्छा है ये चीज खान अच्छा हो नहीं बाबा वो जो एंटीबायोटिक दवा होती है एलोपैथी वो तो आगे जाके बाबा ने बोला फ्लॉप हो जाएगी और वो आयुर्वेदिक वही चलेगा होम्योपैथी की चलेगा। सेकंड स्टूडेंट, बाबा हैज सेड एंटीबायोटिक एलोपैथी मेडिसिन विल फेल इन फ्यूचर, ओनली आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी मेडिसिन विल वर्क। कोई पैथी नहीं चलेगी। नो पैथी मेडिसिन विल वर्क। सिर्फ याद की पैथी चलेगी। ओनली द पैथी ऑफ रिमेम्बरेंस विल वर्क। ये तो हीट पकड़ता है ना, ये जो बोली एंटीबायोटिक है वो तो हीट पकड़ दिए वो ब्लास्ट कर दिए ना, हाँ तो वो तो और भी खराब कर दिए ना बॉडी को, हाँ तो नहीं करना चाहिए इंग्लिश का। ठीक है बाबा, एंटीबायोटिक्स इंक्रीज हीट इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस गैस डोंट दे डिटेरियोरेट द बॉडी ऑल द मोर डोंट दे, सो वी शुडंट कंज्यूम एलोपैथिक मेडिसिन शुड वी। ऑल राइट, तो देह को याद करने की दवाई नहीं खाना चाहिए। सो यू शुडंट हैव द मेडिसिन ऑफ रिमेम्बरिंग द बॉडी। और जो विदेही को याद करने वाली है वो खूब खाना चाहिए। एंड यू शुड हैव द मेडिसिन ऑफ रिमेम्बरिंग द विदेही, द वन विदाउट अ बॉडी प्लेंटी। टीवी में साइंटिस्ट ने बताया 2020 तक कोई दवाई काम नहीं करेगा। हाँ अभी न्यूज में देखा है, जस्ट रिसेंट। हाँ थर्ड स्टूडेंट, बाबा अ साइंटिस्ट सेड इन द टीवी दैट नो मेडिसिन विल वर्क बाय 2020। यस द थर्ड स्टूडेंट, इट वॉज रिसेंटली शोन इन द न्यूज। और भगवान की प्रत्यक्षता उससे पहले होनी चाहिए या बाद में होनी चाहिए? यस एंड शुड गॉड बी रिवील्ड बिफोर दैट और आफ्टर दैट? स्टूडेंट्स, बिफोर दैट। तो फिर देन द थर्ड स्टूडेंट, टैबलेट्स वोंट वर्क। अरे अभी भी तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। अरे द मेडिसिन्स आरंट वर्किंग इवन नाउ। आदमी का स्वार्थ इतना बढ़ता जा रहा है कि दवाई बनाने वाला दूसरे के कल्याण के लिए दवाई बनाता है। द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ मैन इज इंक्रीजिंग टू सच एन एक्सटेंट that the pharmacist prepares medicine for the benefit of others. और duplicate बनाने वाला अपने कल्याण के लिए काम करता है। And the one who prepares duplicate medicines works for his own benefit. और duplicate ज्यादा बन जाता है और असली खत्म हो जाता है। So more duplicate medicines are prepared and the original ones exhaust.